हाय गाइस, ये हमारे काओ की फीड है, मतलब कि जो अब हम इसको मिल्किंग से पहले खिलाएंगे, अब मैं काओ मिल्किंग करूंगी। आप देख सकते हो ये हमारी काओ है, इसकी मिल्किंग करनी है मुझे और ये इसकी फीड है। मैं ऐसे ही रख देती हूँ और ये खा रही है, अब मैं इसकी मिल्किंग करूंगी। पहले इसका न्याणा लगा ले हम, मैं होनी चाहिए माड़े खड़ के होने है ना, मैं न्याणा बनूंगी। ये काओ का न्याना है, आप देख सकते हो। इसके ऊपर बैठूंगी मैं, ये मेरे पास गुनगुना पानी है और हम काओ के थनों को बहुत अच्छे से धो लेते हैं। छोटे थनों का काओ है, सुहाना जरूरी होता है। तो गाइस, हमने थनों को धो लिया है, मैं आपको काओ के मिल्क को ड्रिंक करके भी दिखाऊंगी। और मैंने काऊ का 3-4 घूंट दूध पी लिया है और अब मैं आपको मुट्ठियों से दूध निकालना सिखाऊंगी कि काऊ का मिल्क मुट्ठियों से कैसे इस तरीके से ऐसे दबाया जाता है। ओ पर दी कोई नहीं, कुत्ती कुछ नहीं है। गाइस, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। छोटे थनों की ये मैं 2 उंगलियों से और 1 अंगूठे से ही दूध निकालूंगी। इसका जो छोटे थन है देख सकते हो आप, बस
इसके दो थंब बहुत छोटे हैं, मुट्ठी में आते नहीं है। दूध निकालना मेरा फेवरेट काम है। ਕੁੜਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਮਗਨਾ ਮਾਰਾ ਪੇਠੂ ਵੀ ਅੱਖੀ ਖੜੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ।